हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों के लिए डेकोरेशन वीडियो लेके आई हूँ। ये मैंने व्हिप्ड क्रीम ले लिया है येलो कलर का, नोजल वगैरह नहीं डाला है, छोटा सा कट डाला है बस। अब इससे मैं ऐसे फ्लावर्स बनाऊंगी। पहले व्हिप्ड क्रीम को थोड़ा सा ले लेना है केक के साइड्स में, उसके बाद स्पैचुला से या स्पून से आपको जस्ट थोड़ा हल्का सा खींच लेना है ऐसे। ये देखिए, हर बार स्पैचुला को आप क्लीन कर लीजिए। ये देखिए, इस तरीके से फ्लावर्स बना लिए। अब मैं उसके स्टेम्स बनाऊंगी। स्टेम्स में मैंने ये नोजल डाला है, आप बिना नोजल के भी बना सकते हैं। ये देखिए मैं कैसे बना रही हूँ। ऊपर की तरफ तीन डॉट्स को खींचते हुए नीचे ले आना है, तो ये आपको एक फ्लावर का इफेक्ट देगा। ये तीन डॉट्स को ऐसे खींच लेना है एक साथ, तीन डॉट्स देने हैं पहले, उसके बाद खींच लेना है नीचे की तरफ, तो ये आपको एक फ्लावर का लुक दे रहा है। अब इसमें लीव्स बना लेते हैं। लीव्स भी सेम उसी नोजल से बना रही हूँ मैं। अब ग्रासेस का इफेक्ट देने के लिए मैं ऑयल ब्रश को सेम व्हिप्ड क्रीम में थोड़ा सा टच करके केक के ऊपर चला दे रही हूँ। नीचे से ऊपर की तरफ हल्के हाथ से चलाना है, तो ये आपको ग्रासेस का इफेक्ट देगा। तो ये रहा मेरा केक का फाइनल लुक। हैप्पी बर्थडे टॉपर लगा दिया है और नाम को मैंने फोंडेंट में लिखा है, एडिबल पेन से, जेल पेन से मैंने नाम लिखा है फोंडेंट के ऊपर। तो ये एक नो नोजल डेकोरेशन है, बहुत ही सिंपल है। दिखने में थोड़ा सा आपको हार्ड लग रहा होगा, मगर आप एक बार बना के देखिए, बहुत ही ईजी है और बहुत ही एलिगेंट लुक देता है ये। चलिए अब दूसरा डेकोरेशन वीडियो देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक गर्ल का बैक पोर्शन कट करके लिया है, ये फोटो प्रिंट है, आपको इसका टॉपर भी मिल जाता है मार्केट में। और मैंने कुछ वेफर बटरफ्लाइज लिए हैं, बटरफ्लाइज को मैंने स्ट्रिंग में चिपका दिया है। स्ट्रिंग को मैंने पहले पेंसिल में लपेट लिया, उसके बाद उसे सेलो टेप की हेल्प से ऐसे चिपका दिया है। ये स्ट्रिंग मार्केट में आसानी से मिलता है, इसे कहते हैं स्टॉकिंग वायर। अगर आपको ऐसे एडिबल वेफर बटरफ्लाइज नहीं मिले, तो आप बटरफ्लाइज का फोटो प्रिंट, कलर फोटो प्रिंट भी करवा सकते हैं और उसे शेप में काट के ऐसे लगा सकते हैं, तो इससे बहुत ही अच्छा लुक आता है केक के ऊपर। ये मेरे पास कुछ मैचिंग शुगर स्प्रिंकल्स हैं, ये मैंने ऑनलाइन ख़रीदा था, तो हम इसे भी यूज़ करेंगे केक के ऊपर। यहाँ पर मैंने व्हिप्ड क्रीम में दो ड्रॉप पर्पल कलर और दो ड्रॉप वायलेट कलर मिला दिया है। ये मेरा ब्लैक फॉरेस्ट केक है 1 पाउंड का। अब देखिए, जो मैचिंग कलर का व्हिप्ड क्रीम बनाया मैंने, उससे मैं बॉर्डर डिज़ाइन दे रही हूँ, बीड्स डिज़ाइन है सिंपल। अब जो टॉपर्स मैंने बनाए थे बटरफ्लाइज के, उसे लगा देंगे। बर्थडे टॉपर लगा दिया, नाम लिख दिया, और जो गर्ल का बैक पोर्शन था उसे मैं साइड्स में चिपका दी हूँ। साइड्स में चिपकाने के लिए मैंने यहाँ पे मेल्टेड चॉकलेट का यूज़ किया है। तो शुगर स्प्रिंकल से सजाने के बाद मेरा केक यहाँ रेडी हो गया है। देखिए, ये है मेरा केक का फाइनल लुक। होप ये दोनों केक डिज़ाइंस आपको पसंद आए होंगे। ये बहुत ही सिंपल और नो नोजल केक डेकोरेशन है, इसे आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही सिंपल और एलिगेंट लुक देता है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलती हूँ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्माइलिंग।